वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं मौसमी तब्दीली के हवाले से। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि मेट ऑफिस की जानिब से जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा था कि एक सिस्टम कराची के अंदर, पूरे सिंध के अंदर बल्कि, और स्पेसिफिकली कराची के अंदर भी बताया था कि दाखिल हो चुका है। बारिशें एक्सपेक्टेड थी, कहीं किन कुछ इलाकों के अंदर बारिशें हुई गरज चमक के साथ। कुछ जगहों पर हमने देखा कि हल्की फुहार जो है वो पड़ती नज़र आई। अब ये कहा जा रहा है कि कराची के अंदर वो जो सिस्टम था वो अब हल्का पड़ चुका है और टूट चुका है उसका जोर। अब देखा ये जा रहा है कि इतवार के बाद से शदीद गर्मी की प्रेडिक्शन की गई है और ये कहा जा रहा है कि सिंध के अंदर बारिशों का बाइस बनने वाला जो सर्कुलेशन एक सिस्टम था वो सर्कुलेशन ख़त्म हो चुकी है और बारिशों का इम्कान अभी भी मौजूद है। जो मेट ऑफिस है महकमा मौसमियात, उन्होंने कहा कि जो वस्ती और बालाई सिंध के इलाके हैं वहाँ पर अभी तक बारिशें जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन कराची के अंदर जो बात की गई है वो ये कहा गया है कि मई के गर्म और मरतूब मौसम ने अपनी लपेट में इसको, कराची को ले लिया है। अब गर्मी की जो है वो प्रेडिक्शन की गई है कि शदीद गर्मी हो सकती है, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि हीट वेव का ख़दशा है या फिर नहीं है। बहरहाल इस हवाले से जो तजियाकार हैं उन्होंने बताया है कि जो मगरबी हवाओं का सिस्टम है मुल्क पर असरअंदाज हो रहा है और मज़ीद हो भी सकता है। 7 या 8 मई से बताया जा रहा है कि मगरबी हवाओं का जो सिस्टम है वो मुल्क के अंदर ख़त्म हो जाएगा और 8 मई के बाद जो है वो दर्ज हरारत के अंदर इजाफा देखा जाएगा और 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये इस वक्त जा सकता है, ख़ासतौर पर कराची के अंदर। बहरहाल ये थी मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़।